करता है लोगों के चरण तो इबादत को तो मजाक बना के रखा है लोगों ने, ऐसे भी पीछे नहीं होती। और मस्जिद नबी का इमाम भी ना, वो भी देख लो मस्जिद नबी के इमाम साहब सब जिसको इमाम हो गए। ये मगरिब की नमाज हो रही है मस्जिद नबी शरीफ में लाइव होता है, ये सब रिकॉर्ड की इन्हीं की वेबसाइटों पर आपको मिल जाए। मोबाइल आता है क्या आता है जाने क्या प्रॉब्लम। नमाज छोड़ के चला गया। और मैंने एक तकरीर में जब ये कहा कि मोबाइल आया भाग गया, तो सऊदीया से इनके एक मुल्ला ने जवाब दिया, उसका नाम है क्या नाम है नूर चैनल पर आता है वो, उनका एक भाभी का नूर चैनल है, उसका नाम भी लेकर याद नहीं आ रहा मेरे को, अतीक 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 मौलवी अतीक करके क्या जवाब दिया, फारूक अभी झूठ बोलता है। अच्छा तू बता फिर क्यों भागा। बोले फारूक अभी झूठ बोलता है, वो मोबाइल नहीं आया था, असल में उनको ख्याल आया कि मेरा वजू नहीं है, वजू बनाने चले। यानी बचाने के और फंसा दिया। तो मैंने उस पर क्या चैलेंज किया था, सुनिए वहां घड़ी लगी है जो कैमरे की घड़ी होती है, तो रिकॉर्डिंग में घड़ी आ रही है 18:32 पर भागा है, इतने देर में कब भागा ये 18:32 पर, यानी 6:32 हो रहे थे मगरिब की नमाज का वक्त था ये, 6:32 पर ये गए जनाब माइक छोड़कर। अब आए गए जरा वो घड़ी खोल खोल रही है इसकी, ये भी गया तो कैमरा मैन इधर उधर अभी कैमरा दिखा रहा है। और बेवकूफ जमात का हाल देखो, वो भाग गया, वो क्यों भागा अल्लाह जाने, उसको पीछे से हवा खारिज हुई कि क्या हुआ अल्लाह जाने। और जमात की बेवकूफी देखो, सब हाथ बांध के खड़े उसके इंतजार करें, वो या बोल रहे हम तेरा इंतजार करेंगे कयामत तक, खुदा करे कि कयामत और तू आ जाओ जाओ मौलाना साहब प्रॉब्लम नहीं है, गुसल उसल करके आना, अपनी बेगम से भी मुलाकात करके आ जाना, खड़े पढ़ेंगे तो तेरे नीचे पढ़ेंगे, नबी है तू भाई। जबकि मसला क्या है कि इमाम अगर किसी जरूरत से हट जाए, मसलन री खारिज हो जाए, हवा खारिज हो जाए, वजू टूट जाए, उसका खून आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हुक्म यह है कि इमाम मुसल्ला छोड़े तो सामने की सबका जो भी नमाज पढ़ाना जानता है वो मुसल्ले पे फौरन आ जाए, ये हुक्म है ना। अरे फारूक आजम पर हमला हुआ मस्जिद में, ऐन नमाज की हालत में फारूक आजम तड़प रहे हैं, और आपने सामने वाली सबके जो मौसिन ने इशारा किया कि मुसल्ला पकड़ो और जमात मुकम्मल करो, और उस हाल में जमात होते रही कि आप बाजू में पड़े हुए तड़प रहे हैं, ये नमाज का एहतराम है, तुमने मजाक समझ कर रखा, ऐसे इमामों के पीछे हमारी नमाज होगी। चलो जरा कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला मुझे भी तो बताओ, कल मैं भी जाके पुलिस वालों को दिखाता हूँ कि अपने ऐसे के पीछे पड़ना है, कब फागेगा पता नहीं, हम तो खड़े रह जाएंगे भाई। अब वो देखिए 18:29 पर गया था, थोड़ा सा मैं पीछे ले रहा हूं फिर से, और देखिए आता कब है, 6:29 पे गया है, अब ये घड़ी बता रही है 6:30 आ गया हो, कितनी देर में गया रहा है, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, 29:30 हो गए थे तब गया, 30 पे आ गया। तो मैंने कहा ये वजू अगर इसका टूटा था, ये मस्जिद में वजू बनाने गया तो ये इंसान है कि रोबोट है, इसका बाप 1 मिनट में वजू बना के दिखा दे, देखो बनाते हो 1 मिनट के अंदर वजू वजू भी बनाते, जब ये 1 मिनट में वजू बना लेता है तो 2 मिनट में गुसल कर लेता हूं मैं, तो रॉबोट लोग बना के रखे तुम लोगों ने, तो ऐसे रॉबोटों के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते भाई, हम इंसानों के पीछे पढ़ना है, और इंसान भी वो जो आशिक रसूल हो, हम उन खबीसों के पीछे नहीं पढ़ते जिन्होंने 60,000 सहाबा की कब्रों को जन्नतुल बकी में बुलडोजरों से रौंद डाला, हम उन वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते नऊज़ु बिल्लाह जिन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र को बम से उड़ाया हो, जिन्होंने खालिद इब्ने वलीद की कब्रों को बम से उड़ाया हो, जिन्होंने नऊज़ु बिल्लाह बिन ज़ालिक शहीद इब्ने कैद जैसे सहाबी की कब्र को खोद कर उनके जिस्म की बेहुरमती की हो, हम ऐसे मनुष्यों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते।
جس کے ایمان میں بے غیرتی ہوگی وہی پڑھے گا اور وہی انہی اماموں کے پیچھے جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جس کی نقل کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. قرآن فرماتا ہے یاد کرو حشر کے دن, یوما ندو اللہ ناسب بے امام ہی, حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. ایسے پھٹیچروں کو پیشوا بناؤں گے تو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤں گے. ہم ایسوں کے پیچھے نہیں جاتے, ہم غوث و خواجہ والے, ہم ایسوں کے ہی پیچھے جاتے ہیں. ہمیں غوث و خواجہ والے مبارک, تمہیں یہ مبارک. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.